हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल माय टेक्निकल सपोर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपने कई बार देखा होगा कि आप लोकल स्टोर पे, पेट्रोल पंप पे या बहुत सारी शॉप के ऊपर में इस तरह का आपने स्टिकर देखा होगा, पेटीएम एक्सेप्टेड हियर। ठीक है, तो उस पे आप किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, आप अपने आप पेटीएम यूज करते हो और आपको वहां पे पेमेंट करना है तो आप किस तरीके से आप पेमेंट यूज करेंगे, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और इससे पहले दोस्तों, इस तरह का पेटीएम पे पेटीएम एक्सेप्टेड हियर का स्टिकर बना के आप भी अपने शॉप या फिर लोकल स्टोर में किस तरीके से लगा सकते हैं, ये मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक मिल जाएगा आपको और उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको भी अगर इस तरह का पेटीएम एक्सेप्टेड हियर का आपको बनाना है स्टिकर, वो कैसे बनाएंगे और आप भी अपनी शॉप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें पूरी पेटीएम की एक सीरीज बनाई है और आप पूरे पेटीएम के बारे में पूरे डिटेल से आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इसके अलावा भी मैं कंप्यूटर, मोबाइल, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूं, जो कि हिंदी में और बिल्कुल फ्री होती है। इसलिए दोस्तों, जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना पेटीएम ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पे आपको पे का ऑप्शन आ रहा है, इस पे पे आप क्लिक करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, यहां पे स्कैन कोड का ऑप्शन है, एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, यहां पे देखेंगे और शो कोड और भी ऑप्शन है। तो आप देखिए, दोस्तों यहाँ पे जब पेटीएम एक्सेप्टेड हियर का कहीं भी आप स्टिकर देखेंगे तो हो सकता है वहां पे आपको मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और अगर ना मिले तो क्यूआर कोड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उनमें से आपको दो, अगर दोनों भी रहे तो आप दो ऑप्शन से, दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर से अगर आपको पेमेंट करना है तो ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, सेम मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद में कितना रुपए आपको पेमेंट करना है उस लोकल स्टोर पे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 5 रुपए, जो भी आपको अमाउंट पे करनी है, जितनी भी वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालनी है। और आप रीजन भी, अगर ये ऑप्शनल है, अगर रीजन आप डालना चाहो कि किस चीज का पेमेंट कर रहे हो तो, और नहीं भी डालना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद में आपको अमाउंट डालनी है और उसके बाद में आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और आप पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपकी पेमेंट की प्रोसेस रहेगी उसके बाद में वो आपको करनी है और पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्यूआर कोड है। अब क्यूआर कोड अगर कहीं हो सकता है बहुत जगह पे आपको मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा और आप मोबाइल नंबर से नहीं करना चाहते हैं, क्यूआर कोड से करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो चलिए, स्कैन कोड पे आप क्लिक करना होगा। अभी देखिए, यहाँ पे कैमरा ऑन हो जाएगा और आपको ये क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। तो चलिए मैं स्कैन करता हूं, ये देखिए स्कैन हो गया है। ठीक है, और अभी मुझे यहाँ पे इसमें नाम भी आ गया है कि किस तरीके से, ठीक है, तो मुझे अमाउंट डालनी होगी। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए 5 रुपए की एक अमाउंट बताता हूं। ठीक है, और उसके बाद में डन पे क्लिक कर देता हूं। अभी प्रोसीड टू सेंड, इस पे मुझे सेंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए सेंड करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहां से आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पेटीएम वॉलेट में है तो आप पेटीएम वॉलेट से भी कर सकते हो पे, और अगर आपके पेटीएम वॉलेट में नहीं है तो आप ये ट्रांजेक्शन यहां से भी कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, मेरे पास में कार्ड पहले से ही सेव है मेरे, तो मुझे कुछ कार्ड की डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, बस एक पीछे का सीवी नंबर डालना है और कार्ड मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट मेरा हो जाएगा। अभी कार्ड कैसे सेव करते हैं इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो वो भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं कि आप अपना कार्ड पहले से सेव करके कैसे रख सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे जल्दी से चेकआउट कर देता हूँ, मैं अपनी सीवी नंबर डाल के। अभी मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी आपको यूज ओटीपी पे क्लिक करना है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर आपके वन टाइम पासवर्ड आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये मेरा वन टाइम पासवर्ड आ गया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपको ये देखिए, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो ओटीपी जो आया था वो यहाँ पे डाल देता हूं मैं।
और सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि आप किस तरीके से आप अपना पेटीएम एक्सेप्टेड हियर के कहीं भी आप देखेंगे स्टिकर, तो वहां से आप अपना पेटीएम से अपने पेटीएम से ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मेरा खुद का क्यूआर कोड था, इसलिए मैं अपने क्यूआर कोड पे पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, खुद के अकाउंट से आप खुद के क्यूआर कोड पे पैसे नहीं भेज सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सेम यही प्रोसेस रहेगी, इसी तरीके से आपको ट्रांजेक्शन करना है। इस तरीके से आप कहीं पे भी जहां पे भी आप पेटीएम एक्सेप्टेड हियर का स्टिकर देखते हैं, पेट्रोल पंप पे या कोई भी लोकल स्टोर पे, तो आप अपना इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों, ये आप जो मोबाइल नंबर देख रहे हैं ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, इसलिए प्लीज आप इस पे कोई भी फोन ना करिए, क्योंकि पता नहीं आप किसको लगेगा। मैंने सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल देने के लिए स्टिकर पे कोई भी नंबर डाल दिया था। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पेटीएम के सभी तरह के वीडियो जानने के लिए बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, सीरीज बनाई है मैंने, तो आपको पेटीएम के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनके लिंक देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों मैं सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और मोबाइल से जुड़ी हुई टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।